तो हाय गाइस, हम आ गए हैं वापस फिर से एक और अमेजिंग से वीडियो के साथ। तो गाइस, आज आने वाला है काफी ज्यादा मजा और मैं बता देता हूँ क्यों। क्योंकि गाइस, इधर है अपने पास कॉस्मिक पेगासस। तो यस गाइस, ये नॉर्मल कॉस्मिक पेगासस नहीं, और नॉर्मल से मेरा मतलब जस्ट फेसबोल्ड के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ गाइस इसके कॉम्बो के बारे में। तो गाइस, मैं दिखा देता हूँ कि क्या कॉम्बो है, और आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे लगा हुआ है W105R2F। तो किसी ने मुझे बोला था गाइस कि शायद हैशब्रो का एक कॉम्बो आता है जिसमें W105R2F मिलती है। तो यस गाइस, हमने सोचा क्यों ना हम भी वही ट्राई करते हैं। तो गाइस, ये है कॉस्मिक पेगासस W105R2F, और गाइस ट्राई करेंगे कि ये कॉम्बो कितना स्ट्रॉन्ग है। मुझे लगता है गाइस ये FD जितना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बाकी गाइस देखेंगे, इधर पे अपने पास 12 बेस, देखते हैं कितने बेस कॉस्मिक पेगासस आज हरा पाएगा गाइस। तो चलो गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस स्टार्ट करेंगे प्री हैबिट के कुछ बेस से। तो गाइस, ये है प्री हैबिट स्कॉर्पियो, देखते हैं इसको हरा पाएगा कॉस्मिक या नहीं। तो गाइस, ये गया प्री हैबिट स्कॉर्पियो। अब बारी है गाइस कॉस्मिक की, ये गया कॉस्मिक, और गाइस बड़ी आसानी से हरा दिया है, एक बेब्लेड को हरा दिया गाइस। नेक्स्ट बेब्लेड लाते हैं एक और प्री हैबिट, जो कि प्री हैबिट कैप्रिकॉन, देखते हैं इसको हरा पाएगा कि नहीं। तो गाइस, ये गया प्री हैबिट कैप्रिकॉन। अब बारी है गाइस कॉस्मिक की, मुझे लगता है ये भी काफ़ी आसान होना चाहिए, और बड़ी आसानी से गाइस ये मैच भी जीत लिया कॉस्मिक ने। तो गाइस, अभी तक तो स्टार्ट काफी अच्छा है, काफी ज्यादा पावर दिख रहा है, दो बेस को हरा दिया है। नेक्स्ट वे गाइस रॉक लियोन की तरफ बढ़ते हैं, ये थोड़ा पर्पल वाला है, मैंने बनाया कॉम्बो, पर्पल कलर का री कलर है, देखते हैं गाइस कैसा होता है। ये गया गाइस रॉक लियोन। अब बारी है गाइस कॉस्मिक की। तो गाइस, ये वाला बैटल हमें फिर से करना पड़ेगा क्योंकि डुअल नॉकआउट हो गया था। तो ये गया गाइस लियोन, ये गया कॉस्मिक, और काफी अच्छा अटैक, लेकिन अभी भी लियोन टिका हुआ है गाइस। कॉस्मिक के पावर अब कम होता जा रहा है, लियोन भी गाइस बहुत स्ट्रांग है, और फाइनली आखिरकार लियोन को कर दिया गाइस बाहर। मुझे लगा नहीं था कर पाएगा क्योंकि स्पीड कम हो गई थी, फिर भी पावर कम नहीं हुआ था। तो यस गाइस, एक और विन, काफी अच्छा परफॉर्मेंस है। अब गाइस नेक्स्ट वे ट्राई करते हैं, ये है एक अटैक टाइप, ये है एनिमल पाइसेस, लेकिन इस पे एनर्जी रिंग और फेसबुक मैंने दूसरा लगा दिया है, मेटल फेस है, पावर ज्यादा होने वाला है, करते हैं गाइस इससे एक बार। ये गया गाइस अपना कॉम्बो। अब कॉस्मिक की बारी है, और दोनों ही गाइस गजब पागल हैं, अभी तक तो कुछ कांटेक्ट हुआ नहीं है। और ये क्या गाइस, बाहर जाके अंदर आ गया, ये चीटिंग है, बाहर चलो तुम। तो गाइस हार गया ये, एक और विन, बहुत बहुत चीटिंग किया गाइस इस बेब्लेड ने, गजब की बात, इधर पे गया और वापस अंदर आ गया। खैर कोई नहीं गाइस, अब गाइस नेक्स्ट बे की तरफ बढ़ेंगे। तो गाइस, एक और डिफेंस टाइप ट्राई करेंगे जो है रॉक जुराफा, ये काफी स्ट्रांग है डिफेंस के मामले में, देखते हैं इसको हरा पाएगा गाइस कि नहीं। ये गया जुराफा गाइस। अब बारी है कॉस्मिक की, और कभी कभी मुझे लगता है कॉस्मिक कहीं स्टेडियम ही ना तोड़ दे, और ये गाइस बाहर कर दिया शानदार तरीके से गाइस, रॉक जुराफा को भी बाहर कर दिया। अभी तक गाइस विनिंग स्ट्रीक चल रही कॉस्मिक की, देखना है कि सबको हरा देगा कि नहीं, हरा दिया तो भाई ये कॉम्बो लिट होने वाला है। ओके गाइस, चलो नेक्स्ट बे पे आते हैं, जो कि है अपना वल्कन हरूशियस मेटल फेस के साथ। तो ये मैंने कुछ डार्क वल्कन हरूशियस टाइप का कॉम्बो बनाया, देखते हैं इसको हरा पाएगा गाइस कि नहीं। ये गया गाइस अपना हरूशियस का कॉम्बो। बारी है कॉस्मिक की, और गाइस ये कॉस्मिक पावर एकदम। तो गाइस वल्कन हरूशियस के कॉम्बो को भी हरा दिया, जबकि मेटल फेस था इसके साथ, फिर भी। तो एक और विन मिल गया है, क्या बात है, अभी तक बहुत गजब विनिंग स्ट्रीक जा रही है। तो गाइस अब ट्राई करते हैं स्पाइरल कैप्रिकॉन, देखते हैं इसको हरा पाएगा कि नहीं। ये गया स्पाइरल कैप्रिकॉन। अब बारी है कॉस्मिक की, और गाइस स्पाइरल कैप्रिकॉन का भी खेल खत्म, तो इधर आ गए, क्या बात है, क्या विनिंग स्ट्रीक चल रही है। नेक्स्ट गाइस थर्मल लेसर्टा, देखते हैं इसको इसके साथ कैसा बैटल होता है। चलो लेसर्टा को भी ट्राई करते हैं गाइस, अभी तक बहुत ओपी परफॉर्मेंस है। अरे गाइस ये तो इस बार गड़बड़ हो गया, इस बार कॉस्मिक पेगासस हार गया, विनिंग स्ट्रीक ओवर हो गई है। बट फिर भी गाइस हमारा कर्तव्य बनता है कि हम एक और विनिंग चांस देंगे, तो एक मौका और मिलेगा कॉस्मिक को, देखते हैं जीत पाएगा कि नहीं। और गाइस फाइनली हरा दिया है कॉस्मिक ने लेसर्टा को भी। तो ओवरऑल अभी ये कॉम्बो बहुत लेट चल रहा है, मज़ा आ रहा देख के गाइस। नेक्स्ट वे यूज़ करने वाले हैं गाइस फॉरबिडन योनिस, देखते हैं इसको हरा पाएगा कि नहीं, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रांग वे मेरे ओपिनियन में, और उसका डिफेंस काफ़ी अच्छा है। और गाइस पहली बार में तो कॉस्मिक बाहर ही हो गया है। तो यस गाइस पहले अटेम्प्ट में बाहर हो गया है, एक और मौका मिलेगा कॉस्मिक को जीतने के लिए, देखते हैं गाइस नेक्स्ट अटेम्प्ट में कॉस्मिक क्या कर पाएगा। तो चलो मैं योनिस को लॉन्च कर देता हूँ। तो गाइस ये गया योनिस। अब बारी गाइस कॉस्मिक की,
और गाइस इस बार इयानिस को बाहर का रास्ता दिखाया कॉस्मिक ने, क्या बात है, मजा आ गया गाइस, मजा आ गया। तो गाइस इयानिस को कर दिया है बाहर, ऐसा नहीं कि हारा नहीं है, बट हाँ दूसरे मौके में जीत गया है, तो मतलब अभी तक तो मैं मानूंगा सारे बेस को ही हरा दिया है गाइस ओवरऑल। अब गाइस नेक्स्ट बे ट्राई करता है मीटियो एल ड्रैगो, ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा करने में भी क्योंकि मीटियो एल ड्रैगो है थोड़ा अजीब और ये लेफ्ट और राइट का करने में प्रॉब्लम होता है। तो गाइस यही प्रॉब्लम होता है, तो गाइस मीटियो एल ड्रैगो को लॉन्च करते हैं। ये गया मीटियो एल ड्रैगो, अब कॉस्मिक की बारी गाइस, और स्पिन स्टील कर रहा है मीटियो, फिर भी बाहर कर दिया, क्या बात है, मजा आ गया गाइस। अब गाइस अपने पास यहाँ पे तीन बेस बचे हैं, तो अभी करते हैं गाइस क्रीज किंगनेस के साथ, देखते हैं इसको हरा पाएगा कि नहीं। और गाइस क्या बात है, फर्स्ट अटैक में ही गाइस बाहर कर दिया क्रीज किंगनेस को भी। तो अभी तक गाइस ज़्यादातर बेस को इसने सबको ही हरा दिया है, मतलब पहले अटेम्प्ट में कुछ को नहीं हरा पाया, ज़्यादातर को फर्स्ट अटेम्प्ट में हरा दिया है। गाइस नेक्स्ट पे ट्राई करते हैं डेथ क्वाड्रकोटल, देखते हैं इसको हरा पाएगा कि नहीं। चलो गाइस, और गाइस ये डेथ क्वाड्रकोटल नॉर्मल नहीं है, इसमें मेरा कॉम्बो लगा रखा है मैंने D125 बॉल के साथ, क्योंकि मेरे पास RDF नहीं है। चलो गाइस करते हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बो गाइस डेथ का, फिर भी देखते हैं गाइस क्या कॉस्मिक से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और काफ़ी कोशिश कर रहा है कॉस्मिक, लेकिन गाइस डेथ अभी भी टिका हुआ है। मुझे लग रहा है गाइस इस वाले बेब्लेड से कॉस्मिक हारेगा, क्योंकि गाइस डेथ क्वाड्रकोटल को देखो फर्क ही नहीं पड़ रहा है, क्या बात है, अमेजिंग परफॉर्मेंस गाइस, अमेजिंग। वाह मजा आ गया गाइस, तो गाइस एक बार और ट्राई करते हैं। तो गाइस मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि इस बे से ये हारने वाला है कॉस्मिक, और ये कहीं ना कहीं काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉम्बो है डेथ क्वाड्रकोटल का, तो यहाँ पे गाइस हार गया कॉस्मिक। कोई नहीं, एक आध बे से तो हारना बनता है, और हर कॉम्बो का गाइस कोई ना कोई तो एंटी बे होता ही है, होता ही है। ओवरऑल अच्छा परफॉर्मेंस, कोई बात नहीं, तो डेथ क्वाड्रकोटल से हार गया गाइस। अब नेक्स्ट बे पे ट्राई करेंगे जो कि है गाइस शायद आर्चर ग्रिफ बोलते हैं इसको, या पायरेट ग्रिफ बोलते हैं, शायद आर्चर ग्रिफ बोलते हैं गाइस, तो ग्रिफ है गाइस, ग्रिफ से ट्राई करते हैं। ये गया गाइस ग्रिफ, अब बारी है कॉस्मिक की, काफ़ी तगड़े अटैक गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है ये कॉम्बो मैंने ज़्यादा दिन यूज़ किया तो मेरा स्टेडियम जरूर टूटेगा। और गाइस ये क्या बात है, ग्रिफ तो टिका हुआ है, हारने का नाम ही नहीं ले रहा है, शायद हमें एक और डू ओवर करना पड़ेगा इसको हराने के लिए। ओवरऑल अभी तक सारे भी इसको हरा चुका है गाइस कॉस्मिक, तो एक्सपेक्टेशन तो काफ़ी आई हैं, और सैडली इस बार बात नहीं बनी। तो यस गाइस एक और ट्राई देंगे मौका कॉस्मिक को। ये क्या गाइस ग्रिफ, अब बारी है कॉस्मिक की, और ये डुअल KO, तो फिर से हमें करना पड़ेगा इस बैटल को, तो चलो गाइस करते हैं। और गाइस ये इस बार KO, तो गाइस कॉस्मिक का ये कॉम्बो बहुत लेट है और इसको भी हरा दिया है। तो गाइस सिर्फ डेथ क्वाड्रकोटल एक ऐसा कॉम्बो था मेरा जिसको ही नहीं हरा पाया, बाकी इसने सारे बेब्लेड्स को हरा दिया। तो कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ गाइस ये R2F कॉम्बो बहुत ज़्यादा गजब का है, और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है गाइस ये कॉम्बो FD से भी ज़्यादा बेहतर है। और गाइस मैं एक बात बता दूं कि आपको यूज़ करने के बाद ये R2F या कोई भी रबर टिप है वो गंदी हो जाती है, तो आप उसको हमेशा साफ कर दिया कीजिए। वैसे तो आपको सारी टिप साफ करनी चाहिए, बट गाइस रबर टिप्स हमेशा साफ किया कीजिए बैटल के बाद और बैटल के पहले। तो यस गाइस यही थी आज की प्रो टिप। तो गाइस हमेशा अपने बैटल करने के बाद RF टिप को जरूर क्लीन करें किसी कपड़े से या स्किन से या जैसे भी आप कर सकते हो, हमेशा गाइस अपनी RF टिप को क्लीन करें, जो भी RF टिप है R2F है इवन फ्लैट टिप को भी क्लीन करना चाहिए कायदे से, ताकि गाइस टिप्स काफी अच्छे तक चलेंगी और जब आप बैटल करोगे तो बहुत अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस ना मिले। तो गाइस बताइएगा अपने थॉट्स को कमेंट सेक्शन में इस कॉम्बो के बारे में। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मैं आपसे मिलूंगा फिर किसी वीडियो में फिर किसी दिन, तो गाइस तब तक के लिए स्टे सेफ और हैप्पी ब्लेडिंग।